हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोटे लोगों के लिए पपीता है सबसे अधिक फायदेमंद। आइए जान लेते हैं कि कैसे। वजन कम करने के लिए लोग अनगिनत डाइट्स अपनाते हैं। वे कच्ची सब्जियों से लेकर खट्टे मीठे सारे फलों को ट्राई करते हैं। क्या आप कोई ऐसी जादुई चीज ढूंढ रहे हैं जो आपका मोटापा कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सके? तो चिंता ना करें, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा जादुई फल बताने वाली हूँ जिसे नियमित खाने से आप अपना बढ़ा हुआ वजन कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि मोटापा बढ़ता कैसे है। यदि आपका पेट ठीक नहीं रहता है तो आप बाजारू चीजों को खाकर अपना पेट भरते हैं, वर्कआउट के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं या खूब शराब आदि का सेवन करते हैं, तो आपकी जिंदगी में मोटापे को आने से कोई नहीं रोक सकता है। पका हुआ नारंगी रंग का पपीता न केवल एक मीठा फल है, बल्कि इसमें शरीर के लिए आवश्यक कई पोषक तत्व मौजूद हैं। पपीते में कैलोरी और फैट कम होता है, इसलिए ये मोटापे को दूर रखता है। पपीता एक ऐसा फल है जो आपको पूरा साल मिल जाता है। वजन कम करने के साथ ही पपीते के कई अन्य फायदे हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सही रखता है, पाचन सही रखता है और कई तरह के कैंसर से सुरक्षा करता है। आप पपीते का सेवन कई तरह से कर सकते हैं। जो लोग अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं, उन्हें कच्चा पपीता खाना चाहिए। पके हुए पपीते के मुकाबले इसमें ज्यादा सक्रिय एंजाइम होते हैं जो फैट को कम करने में सहायक है। एक ब्रेकफास्ट, ताजा पपीता लें और इसे खाएं। दिन की शुरुआत नींबू पानी से करें, इसके बाद पपीता खाएं। दो, लंच के समय अंकुरित साबुत अनाज का सलाद खाएं। आप इसमें खट्टे टमाटर या पालक या लहसुन की कलियां, आधे नींबू का रस मिला सकते हैं। इसके बाद आप पपीते का जूस पी सकते हैं। दूसरे लंच के समय में आप बैंगन के साथ पालक डालकर सलाद तैयार कर सकते हैं। इसमें थोड़े से चुकंदर और ऑलिव ऑयल डालें। इसे खाने के बाद पपीते का जूस पिएं। तीन, स्नैक, जब शाम को आपको भूख लगे तो आधे कटे हुए पपीते से जूस तैयार करें और साथ में पाइनएप्पल के दो स्लाइस खाएं। चौथा, डिनर, डिनर के समय आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं जिसमें धनिया नींबू जरूर डालें। इसके बाद कटे हुए पपीते खाएं। वहीं दूसरे दिन आप डिनर में वेज सलाद के साथ थोड़े से कटे पपीते खाएं। पपीते के बीज भी बहुत फायदेमंद है। पपीते का फल ही नहीं बल्कि बीज भी वजन कम करने में आपकी बहुत मदद करता है। इनमें अमीनो एसिड की अधिकता होती है। ये अमीनो एसिड एक्स्ट्रा फैट को बर्न कर देता है और पाचन को सही करता है। पपीते के बीज शरीर से फैट को सोख लेते हैं, तो कई लोग इसे ग्राइंडर में पीसकर पाउडर बनाकर भी खाते हैं। आपको पपीते के बीजों को सुबह ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। आप इसके 8 से 10 बीज का सेवन कर सकते हैं, आपको बहुत ही लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।